टॉपिक हम करने लगे हैं वो है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्टार्ट में अगर सब्जेक्ट ही शी इट या कोई सिंगुलर आ जाए तो आपने क्या करना है एस या एस लगाना है। जिस तरह लेट्स सपोज ये है कि ही शी इट सिंगुलर नाउन वर्ब प्लस एस और एस। अगर ये वाले सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आपने वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट आ जाए आई वी यू दे प्लूरल नाउन तो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके साथ एस और एस नहीं लगाना। आई डैश एट होम, आई के साथ मैंने कोई ना कोई वर्ब लगाना है और मैंने देखना आई आ गए तो आई के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस और एस नहीं आना। मैंने आई के साथ क्या लगा दिया आई वर्ब, वर्क लगा दिया, इसके साथ एस नहीं लगाया। आई वर्क एट होम। अब सब्जेक्ट आ गया यू, यू आ जाए तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, यू के साथ भी मैं वर्क लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने इसके साथ एस नहीं लगाया क्योंकि यू के साथ एस नहीं लगता। ही आ गया ही शी इट या सिंगुलर आ जाए तो आपने एस और एस लगाना है, मैंने ही के साथ ही वर्क ही वर्क। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका शी, शी के साथ भी एस लगेगा, वहां पे लगा होगा, आप शी के साथ क्या लिखोगे वर्क्स, ठीक है। नेक्स्ट है इट, अगर आपको कोई सब्जेक्ट इट आ जाए तो इट के साथ भी आप एस और एस लगाओगे, इट के साथ क्या लगाओगे वर्क्स, इट वर्क्स। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन का मतलब होता है कोई सिंगल नाम, एक नाम आ जाए, जिसका वीडियो के अंदर किसी पर्सन का नाम है एलिस और लोगों के नाम आ रहे हैं, एक नाम आ जाए तो आपने आगे जो वर्ब आएगा उसके साथ एस लगाना। जिस तरह वीडियो में इधर एलिस लिखा था तो एलिस के साथ आपने वर्ब्स लगाना था, एस लगाना था। अगर ज्यादा आ जाए प्लूरल आ जाए एलिस और दो नाम दे रहे तो उसके साथ फिर एस और एस नहीं लगाना था। ये थे आपके पॉजिटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव करेंगे। अब ये यही वाले सब्जेक्ट ही शी या सिंगुलर आ जाए तो आपने डज नॉट लगाना है, ठीक है। आई वी यू दे प्लूरल आ जाए तो नेगेटिव में आपने डो नॉट लगाना है। इसी तरह अगर इंटरोगेटिव आ जाए सवालिया आ जाए क्या वाले फिक्र, यानी जो फिक्रा क्या से शुरू हो रहा है, ठीक है, क्या वाला फिक्रा। आपने ये वाला सब्जेक्ट ही शी सिंगुलर आ जाए तो आपने डज से शुरू करना है। आई वी यू दे प्लूरल आ जाए तो आपने डू से फिक्रा शुरू करना है। ये वाला सेंटेंस डू से शुरू कर, डू आई वर्क एट होम, ठीक है। इससे पहले मैं डू लगा दूंगा, अगर इसको मैंने क्वेश्चन बनाना है तो मैं इसको डू से शुरू करूंगा आई वाला फिक्रा। अगर यू वाला फिक्रा मैंने इसका क्वेश्चन बनाना है तो शुरू करूंगा डू यू वर्क एवरी डे, ठीक है। अगर मैंने इसका कोई क्वेश्चन बनाना है तो मैं डज से शुरू करूंगा क्योंकि ई शीट के साथ डज लगता है, ही वर्क एट नाइट, फिर हम एस और एस नहीं लगाएंगे। जब डू और डज आ जाएगा फिर हम एस और एस चेक नहीं करेंगे, फिर हम बोलेंगे डज ही वर्क एट नाइट। अगर मैं इसका क्वेश्चन बना तो मैं कहूंगा डज ही वर्क इन एन ऑफिस, मैं इसके साथ भी फिर एस नहीं लगाऊंगा, डू और डज के साथ एस और एस नहीं चेक करना। इट आ जाए इट सिंगुलर है, इससे पहले भी मैं डज लगाऊंगा डज इट वर्क ऑल नाइट, ठीक है। अब हम इसके नेगेटिव बनाने लगे हैं। आपको पता है वही आ गया जब मैंने बोला था वही आ जाए तो वही के साथ आपने क्या लगाना है डू नॉट आ गया, इसके साथ एक्शन वर्ड आ गया वर्क कर दिया, यू के साथ डू नॉट वर्क कर दिया। हम इसमें एस और एस नहीं चेक कर रहे। सब्जेक्ट अगर आपका दे आ जाए तो दे के साथ आपने डू नॉट लगाना है, हमने लगा दिया डू नॉट, डू नॉट। ये नाम अली आ गया, यहाँ पे सिंगुलर नाम है, जब भी कोई नाम आएगा सिंगुलर उसके साथ आपने क्या लगाना है डज नॉट, ये लिखा सिंगुलर, सिंगुलर के साथ आपने डज नॉट लगाना, आपने क्या करना है डज नॉट वर्ड, ठीक है। उसमें जो बॉयज प्लूरल है तो आप इसके साथ क्या लगाओगे डू नॉट, डू नॉट लिखा है। अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं डोंट बोलूंगा, ठीक है। मैं इसको डू नॉट को क्या बोलूंगा, दो लिखे मैं एन और अपोस्ट्रोफी लगा के टी ओ की जगह पे मैंने अपोस्ट्रोफी लगा दिया, जिसको मैंने स्किप किया है उसकी जगह पे मैंने ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा दिया, तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा डोंट, वी डोंट वर्क, यू डोंट वर्क, दे डोंट वर्क। अब सिंगुलर आ गया तो डज नॉट आ गया, डज नॉट को मैं इसको कंट्रैक्ट करूंगा मैं डजंट पढ़ूंगा टी ओ ई एस, और एन आ गया अपोस्ट्रोफी लगा के टी लगा दिया मैंने, ओ को स्किप कर दिया मैंने, डजंट पढ़ा, ठीक है। अली डजंट वर्क, the boys do not work। अब जिस तरह ये लिखा अगर मैं इनकी नेगेटिव फॉर्म बनाता हूँ तो मैं इनके साथ क्या लगाऊंगा डोंट, do not को क्या करूंगा डोंट, आई डोंट वर्क, यू डोंट वर्क, ही डजंट वर्क, ही शी के साथ डज नॉट लगता है मैं डजंट, ही डजंट वर्क, शी डजंट वर्क, इट डजंट वर्क।